हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रवीश कुमार अपना फेसबुक पेज एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। रविश कुमार ने अपने फेसबुक आईडी से एक पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरा फेसबुक पेज खुल नहीं रहा है, डेस्कटॉप पर क्या कारण हो सकता है। बता दें कि रविश कुमार अपनी धारदार पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। पिछले कई दिनों रविश अपने प्राइम टाइम में नौकरी सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज की वजह से सत्ता और संस्थान के लापरवाह लोगों की नींद उड़ चुकी है। रविश नौकरी पर अब तक 25 सीरीज कर चुके हैं। दुनिया के किसी भी न्यूज़ चैनल ने नौकरी पर आज तक लगातार 25 सीरीज नहीं की होगी। जब शाम में भारतीय न्यूज़ चैनलों पर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद डिबेट चल रही होती है, उस वक्त रवीश देश के सबसे गंभीर मुद्दों बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई पर चर्चा कर रहे होते हैं। रवीश सरल और सहज अंदाज उन्हें भारतीय न्यूज़ चैनलों के कथित फायर ब्रांड एंकरों से अलग बनाता है। रवीश के प्राइम टाइम में हंगामा और बवाल नहीं, चर्चा होती है। नौकरी सीरीज के साथ साथ बैंकरों पर एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से बैंकों की हालत और बैंकरों की बदहाली को दिखाया जा रहा है। नौकरी और बैंक सीरीज से पहले रवीश कुमार यूनिवर्सिटी सीरीज भी चला चुके हैं। रवीश कुमार ने उच्च शिक्षा की हालत को दिखाने यूनिवर्सिटी सीरीज चलाया था। दुनिया के किसी न्यूज चैनल ने आज तक यूनिवर्सिटी की हालत को दिखाने के लिए 16 सीरीज नहीं दिखाए हैं, लेकिन रवीश कुमार ने ये काम किया। रवीश कुमार फेसबुक पर लिखते रहते हैं। रवीश अपनी लंबी लंबी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सरकार की पोल खोलते रहते हैं। रवीश कुमार की फेसबुक पेज पर 859,000 लाइक है। रवीश की पोस्ट हजारों लोग शेयर करते हैं। कई सोशल मीडिया यूजर का मानना है कि रवीश की पेज से सत्ताधारी बीजेपी ने छेड़छाड़ करवाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने लिखा है, मोदी का वायरस अटैक। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।